युवक कलाओं की होड़ करोगे तुम लोग? हाँ साले दीपक कलाओं की होड़ करने के लिए है ना भाई, जन्म लेने पड़ेंगे। दीपक कलाल एक बड़ा ना कभी बनाऊंगा। हाँ भाई, दीपक कलाल का जो इंग्लिश है ना भाई, हम लोग लॉस एंजलिस के, हमारे जैसे इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तुम लोग। गीको लौड़ो, ओए भोसड़ी के पनौड़ी आ जा, तेरी मां की एक्टिंग करता हूं मैं। सुन बे भोसड़ी के, वो जो लोहमो देना, हाँ। मैंने बोला था तेरे को, उससे माफी मांग लियो भाई। मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए, बड़ा आदमी है, बड़ी तोप है वो लोहमो। हाँ तो बुला लाइव पे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ बुलाता हूँ मेरुख भाई। देख कैसा है ना, अपने को भाई भाईचारा रखना है, और देख वो भी अच्छा भाई है अपना, ऐसे कुछ भी नहीं है। अरे उनको, वो भाई साहब को पहले लाइव पे तू ले ले, उसके बाद बात करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये चलो भाई अच्छा, सत्ती मतलब भाई आप कॉल पे आ जाओ। सत्ती भाई, हम लोग, मेरी दादी माँ है ना बेंचो, कैमरे आंसर हुआ करती थी टाइटैनिक में। मेरी दादी माँ टाइटैनिक में कैबरे डांसर हुआ करती थी, समझा? पर दादी, और मेरी दादी बोबो कलाल ब्रिटिश एयरवेज में पायलट हाँ। थी वो जमाने में, राइट। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड चोचो कलाल अपना ये 26 सॉरी यार, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मर गई थी ना वो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ और उस और उस दिन को तुम मार्बोरो लाइट्स, उसके लिए वहां से निकले थे मार्बोरो लाइट्स लेने के लिए, तुम स्टोर में गए थे तो तुम बच गए। बहुत सारी तुम्हारी सब स्टोरियां फिर तुम्हारी एक शायद तुम्हारी नानी माँ वो जो कौन सा बीच था सिंगापुर, और सिंगापुर के बीच में वो जो सुनामी आई थी वहां पे वो मर गई थी, और बची थी सिर्फ दादी माँ की बिकिनी। तो तुझे तो मेरे सब कहानियां पता है, कैसे पता है तुझे ये सब कुछ? मैं तेरा टट्टा हूं ना मेरी जान, तुझे मैं फॉलो कर रहा हूँ जब तेरे 1200 फॉलोवर थे तब से। अच्छा सुन, तू मेरे को पसंद करता है, तू मेरे को एक बात बता, तेरे को दीपक कलाल पसंद है? बहुत भाई, बट सच बता यार, मतलब अपने जो फैन हैं कहीं ना कहीं हम लोग उनसे प्यार तो करते हैं यार, ये बात तू मानेगी नहीं? बहुत, बहुत बहुत प्यार करता हूँ यार, सबसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और पनौड़ी यार, हम लोग कितना भी झगड़ा कर ले, लेकिन तू ये बात मानेगी नहीं मानेगी, तू दीपक का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा? कभी भी नहीं मेरी जान, कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा मैं, कभी भी नहीं। मैं तो, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जब तू मर जाए तो उसके बाजू में मेरी भी कब्र हो। अच्छा सुन, हाँ पनौड़ी भाई एक बात बताओ। हाँ। दीपक, दीपक ने तो हमें वहाँ बैठे बैठे अपना टट्टा हाँ। बना लिया है, ठीक है, ये तो हाँ। चार दीवारी में जी रहा है, दुनिया हमें बहन की लोड़ी जीने नहीं देगी। बाहर बाहर गली के निकलो तो वो दीपक के टट्टे, वो दीपक के टट्टे की बहन जिंदगी नाश करवा दी सबकी। नहीं नहीं यार, मेरे साथ इधर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं तो अमेरिकन हूँ ना, यही तो दिक्कत है। अमेरिकन के लिए दिक्कत नहीं हो रही ना, इंडियन के लिए तो हो रही है। हाँ तो इसीलिए तो मैं सबको बोलता हूँ कि यार मैं साना कौआ हूँ, क्योंकि मैं तो अमेरिकन। इसने इसने बहन चोद एक दिन क्या बोल दिया, कपड़े दिखा दो, कह रहा है कच्ची पैंटी बेचती, मेरे पास कच्ची पैंटी के लिए इतने फोन आने लग गए। अपने वो बिजनेस, अपने वो बिजनेसमैन भाई को ऐड कर लो। अरे दीपक, वो नल्ले पहलवान को ले, वो भोसड़ी वाले ने 350 के काटा के नहीं, सागर की वो रो रहा है बेंचो, दूसरों की लाइफ में बोल रहा है मेरे को 350 के एक मिला के मेरी गांड पे लात मार दी दीपक। अरे वो तो भाई, मैं बंदे को है ना फिलहाल थोड़ा फेम से दूर रख रहा हूँ, समझा? तू मेरी बात समझ, समझा क्या? तू सोच समझ। नहीं नहीं सुन भाई, मैं तुझे बोल रहा हूँ इसको छोड़ के, क्योंकि ये भाई ने कल मेरे केक काटे हैं। अच्छा सुन,
हाँ तो यार इसको हमने कल थोड़ी गाली दी भाई, मैं तेरे को सॉरी कहना चाहता हूँ भाई, अगर भाई गलती से मैंने कुछ तुझे उल्टा सुल्टा बोल दिया भाई, मेरे को माफ कर दे, तू अपनी जॉन है भाई, कोई बात। और यार मेरे को खुद को शर्म आई कि तूने यार मेरे केक काटे और कल मैंने तेरा मजाक उड़ाया भाई, मैंने गलत किया। और तू अपना भाई है और लाइफ लॉन्ग हमेशा मेरे लाइफ पे आएगा, भले दो मिनट के लिए क्यों ना हो, लेकिन तू मेरे लाइफ पे आएगा। और जितने भी भाई है उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो भाई है इसने मेरे कल केक काटे हैं, मैंने इसको गाली दी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अपने भाई को फॉलो करो, अपनी जॉन है ये, बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि यार जिंदगी में है ना गाली देके व्यूज पाने वाले मादरचोद बहुत होते हैं पनौड़ी जैसे, बट ये ऐसे बंदा है बेंचोद की जिसने मेरे केक काटे, तो भाई ऐसे बंदे को फॉलो करना चाहिए, आप इसको फॉलो करो। इसका नाम है मोहित शर्मा और भाई ने मुझे बहुत इज्जत दी, धन्यवाद मोहित भाई आप कॉल पर आए। थैंक यू भाई, कोई बात नहीं भाई, 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 भाई। और कुछ गलती हो गई सॉरी भाई, सब लोग फॉलो करो अपने भाई को। भाई कोई बात नहीं बड़े भाई यार, कोई बात ना, ये मजा चलता रहता, कोई बात नहीं, 3 साल रह रहे हैं आपके भी यार दीपक भाई। तेरे को यार कल मैंने ये लाइव थी ना अपनी ये रोस्टिंग लाइव, इसीलिए मैंने गलत बोला भाई, बुरा मत मानियो। हाँ ठीक है भाई, चलो अभी हम कॉल पे लेंगे। पूरा महीना मेहनत करके 10 करोड़ कमाता, इसका ना बढ़े 1200 करोड़ का टर्नओवर है, समझा? तूने वो बेंचो 1.25 करोड़ की BMW दी तो तू क्या बहुत बड़ी तोप बन गया क्या रे भोसड़ी के? हाँ ओके, तूने बोल लिया, मैं कुछ बोलू? हाँ बोल। ओके शक्ति भाई, आपकी विश में सराकों पे रखता हूँ, आपकी वो विश में पूरी करूंगा, कुछ प्रॉब्लम मत है उसमें, ठीक है? लेकिन आप मुझे एक बात ये बताओ कि आपके पास पासपोर्ट है? है, क्योंकि मैं तो अमेरिकन लोग हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये अगले दिन पहुंच जाएगा तेरे पास शक्ति भाई। उसके पास अभी तक भी बिना पासपोर्ट वाले पे इधर पासपोर्ट भाई, सुनो शक्ति भाई, इसको वीजा पासपोर्ट सब दिखा दो, सब निकल जाएगी। अरे पर मैंने मजाक की आपसे, मैंने क्या पूछा, क्योंकि जितने भी बंदे आए हैं ठीक है शक्ति भाई, एक मिनट लगेगा। चलो शक्ति भाई आप एक काम करो, चलो आपका ऑफिस और इसको स्टाफ दिखा दियो, आपका ऑफिस दिखा दियो, चलो छोड़ो पासपोर्ट वीजा तो पनौड़ी पनौड़ी कल तक ऐसा हो रहा था, परसों मतलब ये सुनने वार था इंडिया आना भारी है, बहन तो दी अगले दिन पहुंच जाएगा 2 घंटे की फ्लाइट लेके। अरे मेरी बात, अरे दीपक मेरी बात तो सुनो शक्ति भाई मेरी बात सुनो भाई, आपकी जो कुछ भी ख्वाहिश है ठीक है, ये पनौड़ी पूरी करे। पनौड़ी मेरी बात सुन, मैं तेरे लिए कुछ गलत नहीं कह रहा, बात हुई है अभी 3 दिन पहले लाइव आया था दीपक, बता इसको, उस टाइम कोई बंदा था उन्हें कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि तू मतलब दीपक ने तुझे बताया नहीं, ये भी एक थोड़ी सी गलती थी दीपक की, ये बंदा जानने वाला है, उन्हें फिर कुछ उल्टा बोला। और सुन लो भाई तू सच बता, मैं तेरे को 3-4 साल से जानता हूँ और तू मुझे बता, मैं तेरे वीडियो देखता था, बिल्कुल देखता, मैं इसको मैसेज करता था कि मैं तेरे मूंछों का दीवाना हूँ, मैं तुझे किस करके तेरे मूंछों से गुदगुदी करना चाहता हूँ, इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो इसने बोला कि साले ऐसे गंदे कमेंट मत कर नहीं तो तेरे को ब्लॉक कर दूंगा, मैंने माफी मांगी। ओके मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, कल आप लाइव पे थे शक्ति भाई, कल आप लाइव पे थे? नहीं कल नहीं थे आप लाइव पे, जो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो सब लोग आए थे, आप उस टाइम पे कल नहीं थे ठीक है। अब सोचो कल इस बंदे ने, मैं जैसे ही लाइव में घुसा, इसने मुझे नहीं बोला कि भाई ये सॉन्ग का प्रमोशन हो रहा है, मैं लाइव में घुसा, मैंने गालियां देनी शुरू कर दी, वो दो बंदे वाकई चले गए ठीक है। अब इसने मुझे प्रोड्यूसर भाग गए, मैं जैसे लाइव में गया इसने मुझे बोला होता कि पनौड़ी गाली मत बोलना, यहाँ पे सॉन्ग की प्रमोशन चल रही है, तो मैं कुछ बोलता? मैं नहीं बोलता। सेम थिंग जिस दिन इसको देखने के बाद कोई भी बोलेगा कि ये करोड़पति बाप की औलाद है बेंचोद, अरे भोसड़ी के ये करोड़पति इन अमेरिका के अंदर सब बेंचो करोड़पति है, उनका 1200 करोड़ का हो चाहे दीपक 2000 करोड़ का हो, उससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, मेरी इनकम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनका पैसा उनके पास है, मेरा पैसा मेरे पास है। दिल्ली कब आ रहा है ये बता,
अरे मैं दिल्ली नहीं आ रहा हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया। इसने दिल्ली इसने दिल्ली सुना ही नहीं है, भूल गया ये दिल्ली। भाई देखो दिल्ली की बात है, मैंने 10,000 लोग हो गए भाई। टट्टी भाई सुनो एक बात, मैं सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ। टट्टी भाई नहीं, शक्ति भाई है, टट्टी भाई बोल रहा है बहादुर। ये बहन तो मेरा नाम भी खराब कर रहा है पनौड़ी। भाई मूछो वाले भाई साहब, मूछो वाले भाई साहब ठीक नाम है भाई, मूछो वाले भाई साहब मेरी बात सुनो। आप जिस दिन फर्स्ट टाइम लाइव पे आए, दीपक ने मुझे बोला होता कि भाई दीपक आप अच्छे दोस्त हो, दीपक पनौड़ी कुछ ये बात पनौड़ी मैंने बोला, ये बात मैंने भी बोला दीपक को कि दीपक जब तूने ये लाइव ले रखा था इसको पता नहीं था मैं कि इसने कुछ कुछ उल्टा बोला, फिर मैंने तुझे दबा के गाली दी। हाँ अरे नहीं यार देखो, मैं उसी बंदे को गाली देता हूँ जिस जो बंदा जो लाइव पे आता है लोग, ठीक है। दीपक मुझे बोलता है कि भाई ये मेरा यार दोस्त है मत बोलना, मैं नहीं बोलता। नहीं पनौड़ी गाली उसको गाली देता है जो उसके पास तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये बंदा पहुंच जाएगा। भाई ये बंदे का सिस्टम अलग है, देख इसके पास 10 साल का अमेरिका का वीजा है, इसके पास बेंचो हर एक कंट्री का वीजा है। तुझे उनको बाकी के लोगों जैसे समझ रहा है ना भाई, जो लोग सिर्फ छतरपुर फार्म हाउस तक जाते हैं और तेल खत्म हो जाने के बाद यूटर्न लेके आते हैं भाई, ये वो कैटेगरी का नहीं है बंदा ये। नहीं मुझे भी ऐसा लगा कि उनका भी पासपोर्ट कहीं पुलिस स्टेशन में तो मत है। इसीलिए मैंने पूछा कि आपके पास पासपोर्ट है, तो टेंशन मत ले तू, मुझे बता मैं पासपोर्ट गुंडा जो किया देख दोसड़ी का बोल रहा है, लोह मौत का पासपोर्ट सबके जैसा पुलिस स्टेशन। तो मुझे पनौड़ी तो दिल्ली आएगा ना, तेरे पर्सनल मैं लेने के लिए आऊंगा एयरपोर्ट, देख ले तू कोई नहीं आएगा, तुझे एयरपोर्ट लेने के लिए मैं आऊंगा। देख ले तो। अरे मैं शक्ति भाई ये बोल रहा हूँ कि चलो मैं दिल्ली नहीं आता हूँ, आप अमेरिका हो और वेगस की पार्टी मेरी तरफ से आपको। अरे मैं दिल्ली नहीं आ सकता ना यार, पहले चलो मैं समझो मैं दिल्ली आता हूँ, ठीक है। दो दिन ये शक्ति भाई ने मुझे पेला, उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद दूसरा बंदा रेडी होगा मुझे पेलने के लिए, सूतने के लिए, भैंसो मेरी कुटाई करने के लिए, बहुत सारे लोग वेट करके बैठे हुए उधर। तो तू इतना इंडिया आने के लिए क्यों डर रहा है शक्ति भाई पे, तुझे भरोसा नहीं है क्या? गलती से मैंने आपको गाली बोल दी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, बात यार माइंड पे मत लियो, ठीक है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ यार, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन आजकल मुझे ना लाते मारना पसंद आता है, इसीलिए मैं कभी कभी गाली और लाते दे देता हूँ। दीपक कोड़ा और रमकड़ा दियो जो तने रबकड़ा सारी रात, देख 1200 करोड़ डॉलर बंदे का नेट घूम रहा है। अबे ऐसा मत बोल, तेरे को अभी भी कह रहे पनौड़ी भाई मत बोल। ये हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, हाँ जी हाँ दीदी, अब ऐसे नहीं होता ना, कल तो दीपक अरे मेरे पे काय को चढ़ रही है, जब तेरे लिए बोला ही नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा तेरे लिए, जब बोला ही नहीं फिर बोले जा रही है। मैं जब बोल रहा हूँ 10 बार एक ही बात बोल रहा हूँ, तेरी डिस्कशन ही नहीं हुआ, तेरा मेरे से किसी का डिस्कशन तक नहीं हुआ, फिर क्यों बोल रही है तू? थोड़ी सी तो बात मेरी मान ले, जब तू सबकी बात मान रही है। अरे यार फिर वही बात, पनौड़ी बहुत गंदा आदमी है, पूरा पनौड़ी एकदम चकाचक बंदा है, पनौड़ी पे तो पूरी दुनिया मरे है। जितने भी अपने भाई है धन्यवाद, आप लोग हमारे लाइव में आते हैं, हम लोग आपको भाई ऐसे ही एंटरटेन करेंगे। कुछ गलती हो गई हो भाई माफ कर दियो दीपक कलाल को, आप सब अपने भाई फैंस है पनौड़ी पर। एक बात तू मान ले, मैं तुझे कह रहा हूँ, ये तुझे भोसड़ी का जितना लॉलीपॉप दे दे इंडिया आने के लिए, तू भेड़चोद इंडिया मत आइयो, मैं तेरे को बता रहा हूँ पनौड़ी। अच्छा ये मेरी दीदी है, मेरी दीदी का नाम केव रुशाली है, मेरे दीदी का वीडियो आप देखना, मेरी ये दीदी है सगी दीदी है, इसका नाम है केव रुशाली, मेरी दीदी का नाम। तुम्हारी दीदी सिंगल है दीपक? ये पागल दीदी के बारे में कुछ मत बोल, वो दीदी मेरी पॉलिटिशियन है, उसके बारे में गलत ले लिया दीपक, कल है मेरे बारे में इसके बारे में। वो दीपक पनौड़ी दीपक का आंड है, आंडी रे जीजा मत बन, मैं बता रहा हूँ तुझे, मेरी बात सुन, मेरे को तेरे से एक बच्चा चाहिए। वाओ तुम कितनी अच्छी हो मेरी जान। मेरे को तेरे से एक नन्ना मुन्ना बच्चा चाहिए, मुझे दोगे पक्का? अरे तुम्हारा वो बच्चा कहाँ है, वो पंजाबी बच्चा?
वो मेरा बच्चा मैंने किसी को दे दिया, वो बड़ा दुखी करता था, तो मैंने किसी को गोद दे दिया, अब मुझे नया बच्चा चाहिए। एक दीपक के बाद इसका ये टॉप नंबर गंदी हरकतों में ना, इसको गोल्ड मेडल।